नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के वार्ड 98 में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के ललित मित्तल जी, जो कि आज आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं वार्ड 98 से, आज इनके निवास में मौजूद हैं। सर, पहले आपको 2022 नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो सफ़र जो शुरू हुआ आम आदमी पार्टी में, कैसे और कब से शुरू हुआ? जो आम आदमी पार्टी के जो जितने भी विधायक हैं, जो केजरीवाल जी हैं, उनके काम को देखते हुए हमें प्रेरणा मिली। पहले के जो गवर्नमेंट स्कूल और जो हॉस्पिटल हुआ करते थे, उनमें और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि सर? जैसे कि पहले कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना भी पसंद नहीं करता था, वहाँ पे किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं थी। स्कूल को उठा के देख लीजिए, स्कूल में सारी तरह की फैसिलिटी हो चुकी है। पहले के स्कूल में और अब के स्कूल में बहुत फ़र्क हो चुका है। आज के जो हर कोई आजकल अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो इतनी बढ़िया बिल्डिंग बन चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है, वहाँ के टीचर्स और बढ़िया हो चुके हैं, उन सबको देखते हुए। ओके, अच्छा ये जान लेते हैं सर, आपकी जो एक्टिविटी है वार्ड 98 में, क्या क्या चल रही है पब्लिक के बीच में? हम डोर टू डोर, मैं और मेरी टीम डोर टू डोर जाके कंपेनिंग करते हैं। केजरीवाल जी की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी है जनता के लिए, जो जो लाते हैं, वर्क लाते हैं, हम उनको लोगों को जाके बताते हैं, उनको जागरूक करते हैं। जो भी उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, हम उन सब की समस्या का पूरे से कोशिश करते हैं उनका पूरा समाधान निकाला जा सके। जैसे कि अभी सर सदस्यता अभियान की जो एक मुहिम चल रही है लोगों को जोड़ने की, कंपेनिंग, क्या इस चीज़ को लेकर कोई भागीदारी आपकी अपनी? मैंने और मेरी टीम ने, हम सब ने मिल के टेबल लगाई, पूरे वार्ड में टेबल लगाई, अलग अलग जगह पर टेबल लगाई, और बहुत एक हद तक बहुत से लोगों को इस आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनाया, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और आम आदमी पार्टी के मेंबर बने। यहाँ के जो अदेश गुप्ता जी हैं, दिल्ली अध्यक्ष हैं, और उनका ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाँ जी, यहाँ के पार्षद भी हैं। हाँ जी, साफ सफाई को लेके या नालियाँ यहाँ की कैसी हैं सर क्षेत्र? जब से अदेश गुप्ता जी पार्षद बने हैं, उसके बाद मेयर बन गए और आज अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जब वो मेयर ही बन गए, आज तक उन्होंने अपने एरिया में देखा नहीं कि किस गली में क्या काम होना है, किस रोड पे काम होना है, क्या पार्क बनना है, क्या किस साफ सफाई का ध्यान देना है। वो मेयर बनने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। ओके, वो भूल ही चुके हैं कि वो निगम पार्षद हैं वार्ड 98 के। ओके, पब्लिक का क्या रुझान है इस बार का ललित जी? चुनाव नज़दीक हैं, 2022 मिशन, हर किसी की जुबान पे एक ही बात है, इस बार केजरीवाल। क्यों लगता सर लहर चलेगी इस बार आम आदमी पार्टी की? लहर नहीं, काम बोलेगा, काम और दिल्ली सरकार का काम बोलर है। जब लोगों ने देखा है दिल्ली सरकार काम कर रही है, तो लोग खुद चाह रहे हैं कि MCD में भी केजरीवाल आए और उनकी सरकार आए। अच्छा ललित जी, जैसे कि 2 साल का जो हमारा कार्यकाल कोरोना से बीता, काफ़ी अर्थव्यवस्था काफ़ी डगमगाई हुई है, और जो आने वाला जो तीसरी लहर आप देख रहे हो, लगातार दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी व्यवस्था सरकार की ओर से क्या रहेगी सर इनकी रोकथाम को लेकर? इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पूरा सप्लाई करवाया है, हर हॉस्पिटल में चेक किया है किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो पाए। इन केस अगर कोई केस बढ़ता है तो डॉक्टरों की छुट्टी कैंसिल करी है। ओके, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, जो भी नीड होती है, उन सबको पूरा करवाया गया। हफ्ते का जो वीकेंड लगाया है, ये आम जनता के हित के लिए सही है सर? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हफ्ते में एक दो छुट्टी तो हर किसी की होती ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और दिल्ली गवर्नमेंट ने यही देखते हुए वीकडेज कर्फ्यू लगाया है, जो कि एक बहुत बढ़िया स्टेप है, इसलिए मेरा विचार नहीं है कि लग सकता है। अच्छा ललित जी, जैसे कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसका असर क्या देखने को मिलेगा? जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है और इस काम को पूरा भारत देख रहा है, तो हर कोई चाहता है जो काम दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली सरकार कर रही है, वही सरकार हमारे यहाँ भी आए, हमारे राज्य में भी आए, और हमें भी वैसा काम देखने को मिले, हमारी सरकार भी वो काम करे। अच्छा, जैसे चुनाव माहौल बना हुआ है इस समय, तो आपके क्या लोगों के बीच आप जो जा रहे हो जनसंपर्क कर रहे हो, पब्लिक का क्या रुझान है इस बार का? पब्लिक तो बस यही कह रही है कि इस बार केजरीवाल, इस बार हम केजरीवाल को लाके रहेंगे MCD में भी। तो आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे ललित जी? आप बिल्कुल रहेंगे। कैसा रहेगा यहाँ का रुझान, क्योंकि यहाँ टोटल लगभग 50% पूर्वांचल बैल्ट है सर, तो आप कैसे अपने पब्लिक में अपने दिल को किस तरह उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे?
उनके बीच जैसे तो मैं और हमारी टीम पूरी जा ही रही है, उनकी जो भी समस्या है उनको हम सुन भी रहे हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो एमसीडी के पास होते हैं, ठीक है, और एमसीडी तो हम उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, और आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम उनके एक एक काम को करवाएंगे। ओके, हाँ, जैसे जैसा वो चाह रहे हैं उसी हिसाब से जनता के बीच रह के यहाँ पे उनकी सारी समस्या को सुना जाएगा और समाधान निकाला जाएगा, अगर एमसीडी में केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो। ओके, अच्छा, और कुछ एक छोटा सा संदेश आप क्या देना चाहेंगे फिर लास्ट में? एमसीडी में भी केजरीवाल मिशन 2022। तो ये हमारी सीधी बात ललित मित्तल जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।